केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कों से प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, अच्छी रोड और रिसॉर्ट से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान गडकरी ने जबलपुर के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित 2327 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए कहा कि विकास के लिए चार चीजें जरूरी है, मोटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अमेरिका धनवान है, इसके कारण वहां के रास्ते अच्छे नहीं हुए, बल्कि वहां के रास्ते अच्छे हैं इसीलिए अमेरिका धनवान है। हम सड़कें इसलिए बना रहे हैं, इसमें टूरिस्ट बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, अच्छी रोड और रिजॉर्ट से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। जबलपुर में मेरे 10 साल के कार्यकाल में मुझे अनेक बार आने का मौका मिला। जबलपुर पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम देश में सबको पता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजीन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। पर हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो चार चीजें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो चार चीजें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां तक मेरे जिम्मेदारी मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो रोड ट्रांसपोर्ट की है। और देश में हमारे यहां जैसे रेलवे है, हवाई जहाज है, कुछ जलमार्ग भी हम बना रहे हैं, तो रोड का भी निर्माण हम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात मैं याद रखता हूं, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब से इसको याद रखता हूं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। गडकरी ने कहा कि जब मैं भाजपा अध्यक्ष था तब भारत सरकार ने एमपी को कृषि विकास का अवार्ड शिवराज सिंह जी को दिया था। मुझे इसकी खुशी है, मैं किसान हूँ, एमपी कृषि में अग्रणी है, किसानों में काम करता है। जब तक गांव, गरीब, मजदूर और किसान समृद्ध नहीं बनेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। रोड अच्छे बन रहे हैं, मध्य प्रदेश आगे जा रहा है और इसलिए मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो मध्य प्रदेश में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आपका जो उज्जैन का क्षेत्र है उसको एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे, बड़े बड़े 5 ग्रीन हाईवे 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अभी तक 2 लाख करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ और इस 10 साल में मैं आपको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। कुछ काम पूरे हुए, कुछ शुरू होंगे और मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की प्रगति हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो और मध्य प्रदेश पर्यटन के दृष्टि से, खेती के दृष्टि से हमारे देश में एक शक्तिशाली राज्य है। मेरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में अगर प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश और आगे जाएगा। मेरा विश्वास है मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ये हिंदुस्तान के पहले 3 प्रगतिशील राज्य में आएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इस कार्य में
भारत सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से जो भी उनको सहयोग लगेगा वो पूरा करने की कोशिश हम करेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम मोहन यादव के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।